हमेशा के ब्लॉग किचन में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पुख्ता मछली बनाने जा रही हूँ, आधा केजी है। यहाँ मसाला है, हल्दी, धनिया, कश्मीरी मिर्च, तीखी मिर्च, ये टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट, नमक, ये फोरन। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ाया, यहाँ फ्राई पैन चढ़ाया, यहाँ कढ़ाई चढ़ाया, इसमें फिश तलेंगे और उधर मसाला भुनेंगे। यहाँ मैंने तेल डाला 50 ग्राम। अब मैं इधर फिश तलेंगे और इधर मसाला भुनेंगे। इधर भी 50 ग्राम तेल डाले, इधर भी तेल डाले। अब हम ये मछली को बॉल में रखेंगे, इसे मसाला मिलाएंगे। ये फिश को मैंने बॉल में रखा। अब इसमें थोड़ा सा नमक, जरा सा हल्दी देके बस इसको फिश को तलना, और कुछ नहीं देंगे इसमें हम। ये देखिए मैं फिश डालने जा रही, तल रहे हैं। मसाला अच्छे से मिल गया फिश में। आज ये खरा खरा फिश तलाएगी। इधर मेरा तेल भी गर्म हो गया है, इसमें मैंने ये राई दिया और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज पिसा पिसा हुआ। और ये मसाला भी अच्छे से भुना है, मसाला पूरा देखे चार पूरा अच्छे से इसको भुनेंगे। इधर फिश तल रहे हैं, इसको तल रहे हैं। मिश्री अच्छे से तलाएगी पूरी लाल होके। इधर मसाला भी बना रहा है। अब हम मसाले में थोड़ा सा नमक और ये जो पूरा टोटल मसाला है, कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच, तीखी मिर्च आधी चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच और धनिया पाउडर 2 चम्मच है, ये टोटल मसाले में इसमें डाल दूंगी। मसाले में मसाला अच्छे से भुनाएगा, थोड़ा कच्चा है ये भी। मेरे फेस भी तला रही है। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये देखिए मसाला अच्छे से भुना रहा है, ये पक्का फेस है। अभी और कलाई, मैंने 1-2 प्याज, 1 टमाटर और 2 लहसुन पीसा था मसाले में। ये अभी पूरा भुनाएगा, पूरा कच्चा है। ये अभी पीस भी कला रही है। अभी इसको अच्छे से तलेंगे जब तक ये रेड नहीं हो जाता है। और अच्छे से चलाएगा और ये भी भुनाएगा पूरा अच्छे से। मसाला पूरा कच्चा है, अच्छे से इसको भुनेंगे एकदम और ये चलाएंगे। इसमें अच्छे से मेरी फिश तला रही है कि मेरी फिश तला चुकी है। अब हम इसको निकालेंगे। मसाला भी कच्चा, मसाला भी पूरा भुनाएगा, अभी वो रोगन छोड़ेगा। ये फिश को मैंने निकाला, इसको मैंने निकाला और फिर से ये फिश डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे ही पुख्ता फिश ऐसे ही आती है, इसको मैंने डाल दिया। आप वो तलेंगे और ये मेरा मसाला भी भुन आ रहा है। मसाला भी पूरा कच्चा, अभी पूरा अच्छे से इसको भूनेंगे। भूनते भूनते ये रोगन छोड़ेगा,
कर रही है, होगा इधर मेरी फिश हो रही है, इधर मैं मसाला भी बना रही हूँ। और थोड़ा सा ये रोगन छिड़ेगा भी थोड़ा कच्चा है। देखिए ये भी मेरी फिश तला चुकी है, अब मैं इसको भी निकालेंगी। इसको मैंने निकाला, मेरी फ्राई हो चुकी है। ये भी तल ले और इधर मसाला भी बना रहा है। अब इसमें हल्का सा ग्रेवी डालेंगे थोड़ा सा। इसको अच्छे से भूनेंगे। मसाले की महक भी उठ चुकी है, रोगन भी ये छोड़ दिया, थोड़ा सा ग्रेवी दी, अभी वो खटकेगा। जब तक हम इधर और फिश कर लेते हैं, और मैंने फिश डाला। तल नहीं है, मेरा फिश तला चुका है और उधर तल लें। देखिए ये मेरी फिश तला चुकी है फिर अच्छे से। अब मैं इसको निकाल देती हूँ। यहाँ मैंने निकाल दिया फिश, अच्छे से तला गई है मेरी फिश। ये वाली फिश मैंने सब फिश पोखता फिश तल दिए हैं। यहाँ मेरा मसाला भी खूब अच्छे से हो गया, मैंने इसमें फिश डाला। ये मैंने इसमें फिश डाल दिया और ये तेल जो मैंने फ्राई किया था ये तेल भी मैं ऊपर से दे देते, रोगन अच्छे से छोड़ देगा। अब मैं इसको थोड़ा देर इसको पकाएंगे। ये फिश मेरी हो ही चुकी है, खूब अच्छे से ये हो गया। अब ये खटक रहा है, अब इसको मैं छिपा देते हैं थोड़ा देर। दो से तीन मिनट तक थोड़ा सा खटकेगा, उसके बाद आपको निकाल के दिखाते हैं। खूब अच्छे से ये बन गई मेरी फिश। आधा केजी की थी, टमाटर दो था, प्याज दो पीस था, लहसुन दो था और सब मसाला जो था वो एक एक चम्मच था। और लहसुन अदरक हल्दी नमक देके सिर्फ मैं फिश को तले थे और उसका बाकी मसाला दिए थे। ये देखिए ये अब पूरा अच्छे से ये हो चुका। अब हम गैस को धीमा कर रहे हैं दो तीन मिनट के लिए। मैंने गैस को धीमा किया, मेरी ये फिश हो चुकी है। अब हम गैस को बंद करेंगे, आप थोड़ा देर बाद निकाल के दिखाएंगे। मेरी फिश हो चुकी है, अब हम इसको निकाल रहे हैं। यहाँ हम निकाले इसको अच्छे से, खूब अच्छे से हो गई है, रोगन भी पूरा छोड़ दिया है। यहाँ मैंने रखा, देखिए ये मैंने फिश निकाल लिया और इसे थोड़ा सा और ग्रेवी डाल देते हैं शोरबा पर से। यहाँ मैंने डाला, ये मेरी पोख्ता फिश पूरा आधा केजी की थी मैंने बनाया। ये देखिए मेरी फिश तैयार हो गई। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए ये फिश बहुत अच्छी होती पक के। ये देखिए मेरी फिश तैयार हो गई। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम। आशा के लोग किचन में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चावल बनाने जा रही है। मेरा आधा 250 ग्राम चावल है। यहाँ मैंने पानी चढ़ा दिया दक्षिण में, गैस जला दे रहे हैं। यहाँ मैंने गैस जलाया, गैस जला दी है, पानी मेरा अभी गर्म होगा। मैंने गैस जला दिया है, अब इसको छुपा दिए। अब हम इसमें चावल को धोएंगे साफ से अच्छे से, क्योंकि चावल गंदा रहता है। अब इसमें हम चावल को वॉश करेंगे। हमने पानी खोला, मैं पानी लूंगी और चावल को धोएंगे साफ से अच्छे से। यहाँ मैंने पानी डाला,
मेरा पानी खौल रहा है, अभी मेरा पानी नहीं खोला, पानी अभी खोलने में काफी टाइम है। मैंने मछली पहले बना लिया था, फिर ये देखिए मेरा पानी बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें चावल डालेंगे जो मैंने धो के वाश करके रखा था अच्छे से। ये मैंने चावल डाला, अभी चावल अभी होगा, ये चावल अभी होगा, इसको हम अभी चला देते हैं। आज मैंने फिश और चावल बनाया, फिश पहले बना लिया था, चावल अभी चलाए। एक बार लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैंने चावल को अच्छे से चला दिया, अब इसको मैं छिपा देती हूँ, चावल अभी होगा तब निकालते हैं। ये देखिए मेरा चावल हो चुका, अभी थोड़ा सा और होगा, थोड़ा सा अभी ये अच्छा पे है, अभी थोड़ा सा और होता तब इसको पसाएंगे। ये देखिए चावल मेरा हो चुका है, अब हम थोड़ा देर में इसको पसा। मेरा चावल परफेक्ट हो चुका है, मेरा चावल बहुत अच्छे से गल भी गया है। ये देखिए मेरा चावल पूरा अच्छे से ना गल गया है, ये पूरा अच्छे से गल गया। अब हम चावल को पसाएंगे। ये हाँ मैंने चावल को पसा लिया, अब यहाँ से इसको हटाएंगे, पानी जो तो हमारी इसका छूटा है। ये देखिए मेरा चावल अच्छे से ये पस चुका है पूरा, ये नीचे में भी हमारी ये हो गया है। अब हम ये चावल को अभी यहाँ पलट डक्चे में उठेंगे। अब हम चावल को निकाल रहे हैं सर्विसिंग प्लेट में। ये देखिए मेरा चावल एकदम परफेक्ट खिला खिला चावल बना है, मैंने जैसे बताया है। मैं फिश भी निकाल, मेरा फिश और चावल तैयार हो गया। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।